तो गाइस पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो बिग बॉस का आज वाला एपिसोड फैमिली एपिसोड था। सभी कंटेस्टेंट का घर वाले आज बिग बॉस में आए थे। फुकरा इंसान का मम्मी भी आज बिग बॉस में आए थे। तो फुकरा इंसान उनके मम्मी को देखते ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उनका मम्मी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान एक इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया और इसके ऊपर उनका रिएक्शन कुछ यह था। माता जी पहुंच गई बिग बॉस के घर में और आते ही जो फूट फूट के रोई हैं मम्मी भी और अभी अभिषेक भी रो रहा है। मम्मी को वैसे मुंबई मैं लेकर आया हूँ, यू नो आई एम सच अ प्यारा बच्चा। कल मैंने भाई फर्ज निभाया, आज मम्मी के साथ सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के उनको मुंबई लेकर आया मैं। क्या क्यूड़ी हूँ मैं, बट ये रोए जा रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैं 45 days बाद मिले है ना। ओहो हाँ सही है यार, तो तुम भी देखो अगर देखना चाहते हो तो। ओए होए हंस दिया भाई, हंस दिया फाइनली। ट्रिगर्ड इंसान का बात चल रहा है तो मैं बता दूं, शायद आप लोगों को पता होगा रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान और उनके मम्मी पापा फुकरा इंसान के लिए एक मीटअप रखे थे और उस मीटअप में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। उसी के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान आज वाले ब्लॉग में कुछ ये कहा। ऐसा था एक्सपीरियंस ये बता भाई, बस वो इतना प्यार इतनी सपोर्ट देख के तो मैं तो इमोशनल हो गया था स्टेज पे एक बारी को। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी और फिर इतने ज्यादा लोग थे, थैंक यू आंटी, और फिर वो ऐसा चेयर कर रहे थे, ऊपर से इतनी गर्मी भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। मैं तो स्टेज पे बैठा और मेरा तो सच में एक बारी को रोना ही निकल गया देख के। मैं भाई ये नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था। क्रेजी फैंस, क्रेजी, थैंक यू सो मच यार। मतलब सीरियसली कोई वर्ड्स नहीं है, ऑल आई कैन से इज थैंक्स। सीरियसली मतलब इमोशनल हो गया, मतलब इट्स लाइक वेरी ओवर अचीव करने वाली बात है कि मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ऐसे कभी लोग इतना प्यार करेंगे। अब बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो गाइस क्या आप लोगों को पता है जब एलविस यादव को पहले बिग बॉस का ऑफर आया था तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उनके मम्मी और फ्रेंड्स उनको बहुत ज्यादा समझाए तब वो बिग बॉस में जाने के लिए मान गए। उसी के बारे में लाभ कटारिया रियल हिट पॉडकास्ट में कुछ ये कहा। भाई तू बता यार कैसे डिसीजन बना और ओटीटी में वाइल्ड कार्ड का डिसीजन कैसे बना, क्योंकि हमें तो हमारे माइंड में था मेन वाला बिग बॉस। भाई मैं बताता हूँ सीन हुआ क्या। अब क्या सीन है, ये भी ओटीटी और वो वाइल्ड कार्ड कह रहे हो तुम। हाँ। तो हमारे पास ऑफर था सीधा मेन एंट्री का। अच्छा ओटीटी पे ही। हाँ ओटीटी पे ही सीधा फोन आया था कि उधर से ऐसे सीन है आप एक बार ऐसे। तो उनके राउंड्स होते हैं पहले, वो कह रहे बॉम्बे आ जाओ। मैं बॉम्बे क्यों आवे, कह रहे तुम्हें अपने खर्चे पर आना पड़ेगा। मैं फिर तो कति ना आवे तो है ना। फिर उनकी एक वीडियो कॉल होती है 1-to-1 वाली, तो उसमें देखते हैं कैरेक्टर कैसे, वो फॉर्मेलिटीज होती है ऑब्वियसली बात, उन्हें लेना तो होगा ही जब भी कर रहे हैं। तो उस टाइम एलविस कहता कि मेरा मन ना कर रहा अब एकदम से, मतलब 2-3 राउंड कर लिए फिर कहता मन ना अब, फिर वो कैंसिल हो गया। कुछ हमारे फिर दिक्कतें भी आ गए थे, एक दो प्रोजेक्ट्स आ गए थे। तो जो हम उस दिन यहाँ बैठे थे वो 2-3 राउंड करने के बाद बैठे होते, क्योंकि वो बता रहा था कि 2-3 इंटरव्यू दे दिए मैंने, अब 6-7 होते कुछ बच रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारा मूड फ्लिप होगा, मतलब हमारा तो कहीं उसका ही, मेरा तो था ही, मगर जा भाई क्या कर रहा है तू, पागल है क्या। तो भाई फिर चली गई बातें, बीत गया। फिर इधर उधर हम प्लान बना रहे लद्दाख जाएंगे लद्दाख, फिर एकदम से दोबारा कॉल आता हूँ उधर से कि जी ऐसा ऐसा सीन है और वाइल्ड कार्ड का सीन है। मैं कहा क्या दिमाग फिरा रहे हो मेरा तो भाई मैंने इसको कही कह मैं ना जा रहा। और एक दिन फिर मैंने 11 बजे फ़ोन किया, अगले दिन उनको दोबारा फ़ोन आया तो सो रहा। मगर कोई बात नहीं, मैंने उनको बोल दिया मैं 1 बजे रिवर्ट करता हूँ मैं, क्योंकि भी फ़ोन नहीं उठा रहा भाई। 1 बजे फ़ोन करो, 1 बजे भी सो रहा। फिर मैंने कहा 3 बजे करता हूँ भाई, 3 बजे भी सो रहा। और मैंने इनको तीनों कॉल पर कहा कि भाई बिग बॉस से फ़ोन आ रखा है, क्या लाइटली क्यों ले रहा है, मतलब ये तो है नहीं, अपने को भी देखना या कहीं ना कहीं। अब व्लॉग्स भी बना ही रहे हैं पर व्लॉग्स के अलावा भी तो ऑडियंस चाहिए। तो भाई फिर मेरी नहीं समझ रहा, मेरे को पता क्या कहता, मेरा कह देना ना जाना तो भाई फिर मेरे को अब क्या कर सकते हैं यार। मैं कहा मेरे को तो भेजना है वाइपर इस अंदर यार, मतलब कुछ तो करें यार अलग, देखें क्या सीन है, एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा एटलीस्ट नया। तो भाई फिर मैंने करा लक्ष्य अर्चित को फ़ोन, फिर मैंने किया उनकी भी ना मान रहा, फिर मैंने कहा विनय भाई को फोन, विनय भाई आ रखे। मगर थोड़े बड़े हैं विनय भाई समझा देंगे, भाई किसी की नहीं सुन रहा। फिर है ना विनय भाई कहते हैं काम कर आंटी को लाइन पे ले आंटी को समझाते हैं, आंटी जगाएगी, क्योंकि हमसे जग ही नहीं रहा भाई। वो बंदे घर पर पहुँच रहे हैं, मैं दिल्ली था, मैं घर नहीं जा सकता उसके। तो फिर भाई आंटी ने जगा वगाया, फिर करा हाँ ठीक है भाई समझ गया ठीक है, एक काम कर मेरी 5 बजे कॉल रखवा दो भाई। फिर 5 बजे कॉल रखवाई तो फिर डंडून हो गया सीन। और फिर मतलब कह रहे चलो ठीक है बताते हैं, फिर भी नहीं बताया उन लोगों ने, 3 दिन का गैप लिया। फिर 4th दिन है ना शाम को मेरे पे फोन आया था 5 बजे, और अगले दिन ही सुबह 5 बजे बुला लिया। 12 घंटे का टाइम दिया उन्होंने हमें, ना हम कपड़े खरीद पाए ना हम कुछ, और दाढ़ी सेट करवाने भी 9 बजे गया रात को। उसी पॉडकास्ट में लाभ कटारिया बिग बॉस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चीज रिवील किया है कि अगर कोई बीच में बिग बॉस क्विट करना चाहते हैं तो उनको कितना पेनाल्टी देना होगा वो रिवील किया है। तो आप लोग खुद सुन लीजिए उसके लिए कितना पेनाल्टी देना होगा। भाई वैसे उसकी क्या पेनल्टी रखी हुई है लोग जानना चाहेंगे आई एम श्योर। अगर बीच से किसी को बाहर निकलना है मुझे नहीं टिकना है। 2 करोड़ 2 करोड़ है
भाई ये लोग है ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, उस पे एक क्लॉज में लिखा होता है कि अगर आपको मन से 12 ना 2 करोड़ और अगर ये लोग कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं भाई शो को ना, उस पे आप साइन करके आ चुके हो पहले, ये इनके ऊपर है क्रिएटिव्स के ऊपर कि क्या करना है, आप कुछ भी मना नहीं कर सकते, शो बढ़ा तो बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं भाई, सब चीजें साइन करवा लेता हूँ पहले। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।